हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि यू मस्ट बी फाइन, ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन। सी, मैंने आप लोग को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे बहुत सारे पीडीएफ भेजे हैं, पर मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पर कुछ समझाऊं भी, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा रिलेवेंट है, आप लोगों को हमेशा काम आएगा। आई ऑल्सो नो द फैक्ट दैट यू गाइज हैव स्टडीड इट इन योर क्लासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट मे लेट मी रिफ्रेश योर माइंड, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन द रिलेवेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन द मॉडर्न एरा। सी, व्हाइल टॉकिंग अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स, डेलीगेटेड एंड लेजिस्लेशन। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि डेलीगेटेड का मतलब क्या होता है और लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। तो डिस्कसिंग फर्स्ट लेजिस्लेशन, ऑल ऑफ यू नो लेजिस्लेशन इज द बॉडी विच मेक्स लॉ, विच मेक्स रूल, जो कि लॉ बनाती है। वी हैव थ्री बॉडीज, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द पर्पस ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट एंड द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू एग्जीक्यूट देम। अब ये तो समझ में आ गया कि लेजिस्लेशन क्या होता है। लेजिस्लेशन वो अथॉरिटी है जो लॉ बनाती है। डेलीगेशन क्या होता है, अब हम इस पर आते हैं कि वॉट इज डेलीगेशन। तो सी, डेलीगेशन का मतलब होता है टू डेलीगेट। अब मैं ये बोलूँ कि टू डेलीगेट का मतलब क्या होता है, तो किसी को सौंपना, एक चीज़ को पास ऑन करना, किसी को सुपुर्द करना, किसी को देना, डेलीगेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोग को जैसे बहुत सिंपल सिंपल बातें बताऊँगा, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। जैसे आप लोग की क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं आप लोग की क्लास में पढ़ाता हूँ। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 5 दिन के लिए आपके क्लास ना आऊँ, तो मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को एक पावर ये डेलीगेट किया अपना कि तुम ये चेक करोगे। जैसे मान लो मैंने मयंक को क्लास कोऑर्डिनेटर बना दिया और मैंने मयंक को ये जिम्मेदारी सौंपी कि कौन लेक्चर अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तुम इसका मुझे रिपोर्टिंग करोगे मेरे एब्सेंस में भी। तो मैंने एक प्रकार से क्या किया, जो काम मैं करता था वो मैंने डेलीगेट किया। ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे ही कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट, एक तो पार्लियामेंट जो हमारी है वो सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे कंट्री को बिना पावर को डेलीगेट किए पूरे कंट्री को अच्छे से रन कर ले। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, हिस्ट्री में बात होती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। पॉलिटिकल साइंस में भी बात होती है, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप लोग देखोगे, पॉलिटिकल साइंस में देखोगे सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण ये होता है कि एक ही अथॉरिटी में सारी पावर जो है वो वेस्टेड होती है। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में, कि वो पावर फर्दर डेलीगेट होकर दूसरों के पास जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है, मैं यूनियन अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, स्टेट लिस्ट में अपना स्टेट देखेगी। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेलीगेटेड क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। अब सी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम लोग सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। सुप्रीम लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि ये पावर जो है वो दी जा रही है, सुप्रीम लेजिस्लेशन द्वारा प्रदत्त की जा रही है। जैसे मान लो, एक और मैं आपको स्टेट में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे स्टेट में मान लो एक पूरे राज्य में सीएम जो है वो पूरे राज्य को देखता है, पर अब स्टेट सिर्फ स्टेट में ही डिवाइड, स्टेट फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है। क्या डिस्ट्रिक्ट में भी सीएम आके रोज़ काम देखता है, क्या? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में डीएम देखता है ना, तो वो कुछ पावर डीएम को भी कन्फर की गई हैं, क्योंकि सीएम के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक स्टेट में जा कर के, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जा कर के सारे काम को देखे। इसलिए प्रत्येक ज़िले के लिए एक जिलाधीश, जिलाधिकारी है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट होता है। अब आप लोग बेहतर समझ लोगे, जैसे कंट्री में पीएम, ठीक है, स्टेट में सीएम और डिस्ट्रिक्ट में डीएम, ऐसे समझो। जिला में डीएम, राज्य में सीएम, देश में पीएम। अब आते हैं डेलीगेटेड और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करें। सी, वेरी बहुत आसान है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे बी डिफाइंड एज रूल्स ऑफ लॉ मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रूल्स ऑफ लॉ मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ
पार्लियामेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब इसके एग्जांपल के ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इसके एग्जिस्टेंस को हम जाने कैसे कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स और बायलॉज। अब जैसे अभी कोविड 19 का चल रहा है, कोविड 19 में लॉकडाउन से पहले पीएम ने 24 मार्च को आकर के लॉकडाउन अनाउंस किया था कि 25 मार्च से पूरे कंट्री में लॉकडाउन रहेगा। पर मुझे याद है इंदौर में डीएम ने एक ऑर्डर निकाला था कि 23 तारीख से यहाँ पर कर्फ्यू लगा रहेगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माय डियर। इसको याद रखना, ये डेलीगेशन ऑफ पावर का रिलेवेंट सिनेरियो से निकालो और बड़ा मज़ेदार एग्जांपल बन जाएगा। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग उन कारणों पर गौर कर लेते हैं कि क्या कारण था, व्हाट वाज द नेसेसिटी, व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ग्रोथ के लिए, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहे। सी, जो पहला सबसे बड़ा फैक्टर था वो था प्रेशर ऑन पार्लियामेंट। सी, पार्लियामेंट बीइंग अ बिजी बॉडी हैज इनसफिशियंट टाइम, पार्लियामेंट का टाइम नहीं है ना, इट हैज़ इनसफिशियंट टाइम टू डील एडिक्वेटली विद इंक्रीजिंग मास ऑफ लेजिस्लेशन नेसेसरी टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मॉडर्न स्टेट। पार्लियामेंट जो है कैबिनेट स्तर पे, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे राज्य को इक्वली जो है वो संभाल पाए, इसीलिए स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं। सी, कई बार होता है वो जो टेक्निकलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे मैंने अभी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की आप लोगों को, यूनियन लिस्ट की बात की, स्टेट लिस्ट की बात की, कंकरेंट लिस्ट की बात की, इसकी वजह से भी ये ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, एक और रीज़न रहा इसके आगे बढ़ने का, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने क्या बताया, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी जो है एक बड़ा ब्राइट एग्जाम्पल है, जिसमें कि अगर हम पावर को सेंट्रलाइज करते हैं, अगर हम एक ही बॉडी के हाथ में पूरा पावर रखेंगे तो हो सकता है कि उसके टिरैनिकल बिहेवियर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आर्बिट्रेरीनेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और जो हमारा रूल ऑफ लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एवी डैसी ने रूल ऑफ लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, वही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये देखा जाए कि अगर हम पावर को डेलीगेट कर रहे हैं तो क्या होता है। रीज़न बीइंग कि ये मोर फ्लेक्सिबल है, इजीली अमेंडेबल है और रिवोकेबल भी है देन ऑर्डिनरी डेलीगेशन। देयर इज एनफ स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे सीएम चाहे राज्य में, जैसे मान लो राज्य को एक ऑटोनॉमी मान लेते हैं, तो राज्य में सीएम चाहे तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर डीएम को कुछ कार्य सौंप सकता है कि भाई आप अपने जिला में ये लागू करके देखो, मैं पूरे राज्य में लागू नहीं करूँगा। समझो ये चीज़ को कि एक्सपेरिमेंट की बात क्यों हो रही है। अब मान लो मुख्यमंत्री को राज्य में कुछ लागू करना है, ठीक है, तो पहले जिला में, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में लागू किया था ऑड एंड इवन, अब मान लो यहाँ शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में ऑड एंड इवन फार्मूला लागू करना हो, तो वो बोलेंगे कि पहले मैं इंदौर के डीएम को ये ऑर्डर दे के देखता हूँ कि इंदौर में क्या प्रतिक्रिया आती है। इंदौर के डीएम को उन्होंने बोल दिया कि तुम लागू करके देखो, इंदौर के डीएम ने लागू कर दिया। अभी एक्सपेरिमेंट यदि सक्सेसफुल रहा तो पूरे स्टेट में, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्या फ़र्क पड़ गया, है ना, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो दिस इज़ द पॉइंट, इट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन गिव्स अस अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ अगेन देखो, कई बार क्या होती है ना कि अनफॉरसीन कंटिजेंसीज आ जाती हैं। अब सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इनेबल्स अ गवर्नमेंट टू डील विद द प्रॉब्लम्स विच कुड नॉट बी फॉरसीन व्हेन द इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड एंड टू एक्ट क्विकली इन एन इमरजेंसी। और इमरजेंसी के सिचुएशन में ये बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स की भी हमने बात कर ही ली। द सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर इज आई कैन से अ टूल फॉर एक्सपेरिमेंट, है ना, अगर चीज़ काम कर गई तब तो ठीक है, नहीं की तो हमने एक्सपेरिमेंट किया कोई बात नहीं। तो दिस इज़ द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। अब आप लोग बिल्कुल फ्री फील करना, ठीक है, एकदम फ्री फील करना, मुझसे कॉन्टैक्ट करने में कहीं कोई भी डाउट आए
आई अप्रिशिएट मयंक इन दिस रिगार्ड। मयंक ने मुझे कॉल भी किया था और उसको प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन के कुछ जानना था, इसलिए मैं लेजिस्लेशन के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट है तो मैं उसके नोट्स आप लोगों को दूंगा, फ्री टू कॉल मी, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों को फ़ोन पे भी समझा दूंगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा वो भी इसी पर लेके आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा नीड टू कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।